बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन से प्लान है, यहाँ पे स्टेयर केस मैंने बाहर से दी है, पूरा वेल डेकोरेटेड प्लान क्रिएट किया है और इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, या बोल सकते हैं हमारे वो फ्रेंड हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया पूरा मॉडल। लो बजट हाउस प्लान है, बेहतरीन सा प्लान है। आपको जब मैं पूरा डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा प्लान होने वाला है। इसी प्लान को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस माल हाउस प्लान को तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, नए नए डिज़ाइन से मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल से मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले इस प्लान को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं ऐसे जूम करके आप दिखाता हूँ इसका रियलिस्टिक व्यू क्या है, पूरा प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा जो ग्रिल है वो मैंने जो इस्तेमाल की है, रेलिंग है जो इस्तेमाल की वगैरह आप देख पा रहे होंगे सारा। ऊपर छोटा सा थोड़ा सा टीन सेट भी रखा है, जिससे आपका जो मैंने रूम आगे क्रिएट किए हैं उनका प्रॉपर तरीके से धूप वगैरह आना चाहे। तो ये मॉडल मात्र 600 स्क्वायर फुट में बना है, जिसका साइज है 20x30, 20 चौड़ाई है, 30 फुट लंबाई है। और यही पूरा मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये आप देखिएगा स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, ये ऊपर आपसे पिलर है या के एक्स्ट्रा में पार्किंग, ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन एरिया, ये एक्स्ट्रा है, 20x30 फुट में इंक्लूड नहीं है। स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे और यहाँ से जैसे आप ऊपर जाते हैं दो पिलर मिलते हैं और यहाँ से देखिएगा आपको तुरंत स्टेयर्स मिल जाते हैं। स्टेयर्स की मैंने बाहर से दी हैं, यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टेयर से और चढ़कर आप ऊपर देखिए पहुँच जाते हैं। साइड से मैंने ग्रिल भी लगा दी है, लोहे के पाइप जो होते हैं ब्लैक कलर के वो इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद ये आपका पूरा एक पोर्च समझ लें या बारंदा समझ लें आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको मेन डोर है, ये ब्लैक कलर का पट्टी है जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से है। इधर भी इधर मैंने अभी मैं जब ऊपर टॉप व्यू दिखाऊंगा तो समझ में आएगा इधर एक मैंने डोर दिया है। तो मेन डोर ये है जहाँ से एंट्री करने के जस्ट साइड में विंडो है। तो आपको टॉप व्यू मैं दिखाता हूँ, टॉप व्यू जैसे देखते तो ये देखिएगा बारंदा को ढक दिया है मैंने ऑलरेडी। इसके बाद बेडरूम आपके डोर के माध्यम से अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पीछे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। देखिए दोनों बेडरूम है, ये आपका किचन है और ये जो एरिया है स्टेयर्स को जहाँ पर घूम के गया है, ये जो एरिया बचा इसमें मैंने लेट एंड बाथ क्रिएट कर रखा है, जो कि आपको डोर दिख रहा था बारंदा से मैंने डोर दिया है, ये लेट एंड बाथ है। और मेन डोर से एंट्री करेंगे तो दो बेडरूम और किचन को आप और एक्सेस कर पाएंगे। तो 20x30 फुट में दो बेडरूम और आपका वहीं पर एक बेहतरीन सा पोर्च समझ लें, बारंदा समझ लें, स्टेयर से बाहर से किचन लेट एंड बाथ पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाता है। मैं इसे और जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आप इसका और रियलिस्टिक व्यू देख सकें। ये देखिएगा जो डिज़ाइन है बेहतरीन सा आप देख पा रहे होंगे, पूरा नॉर्मल टिकट का डिज़ाइन और इधर आपकी ये स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट या लास्ट फ्लोर भी इसे बोल सकते हैं, इसके बाद ऊपर से जाएंगे आप यहाँ पर देखिए एंट्री करेंगे। इसके बाद जो दोनों पीछे बेडरूम थे ये सेम टू सेम दोनों बेडरूम आगे मैंने भाई ये टीन सेट रख दिया है पिलर्स के माध्यम से और ये आपकी ग्रिल बना दी, ये डिजाइनिंग थोड़ी सी दे दी जो घर का आपको बेहतरीन से लुक देता है। ये देखिएगा ये आपको ऊपर दो बेडरूम्स मिल जाते हैं, नीचे लेट एंड बाथ, तो आपको चार बेडरूम मिलते हैं मात्र 20x30 फिट में अगर हम बात करें। और लो बजट प्लान, आपको इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, 600 स्क्वायर फिट में एक बेहतरीन सा प्लान आपको मैंने बनाकर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मॉडल आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को आप लाइक किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।